ताजातरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24, मैं हूं कृतिका। यूपी के जनपद अमरोहा के गजरौला नगर में जिला अधिकारी उमेश मिश्र व उप जिलाधिकारी शशांक चौधरी, विपिन ताड़ा पुलिस अधीक्षक समेत पुलिस प्रशासन की टीम को अपने साथ लेकर गजरौला नगर के मोहल्ला जलाल नगर के राशन डीलर अखलाक अहमद की दुकान पर जाकर छापेमारी की। आपको बता दें कि दरअसल पूरा मामला यूपी के जनपद अमरोहा के गजरौला के मोहल्ला जलाल नगर का है, जहाँ राशन डीलर अखलाक अहमद लोगों को राशन देने में आनाकानी करता नजर आया। यहां तक कि वहां के लोगों ने उसकी ये भी शिकायत की कि वह राशन देते वक्त लोगों से एक निश्चित की गई दर से अधिक पैसा लेता है, जिसको लेकर मोहल्ले के एक व्यक्ति आरिफ ने फरवरी माह में उसके खिलाफ आवाज़ उठाई तो 2 मार्च को उस व्यक्ति के साथ मारपीट भी की गई थी, जिसका सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल भी हुआ। लेकिन अखलाक अहमद के खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। तत्पश्चात उस व्यक्ति ने हताश होकर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076 पर अपनी शिकायत दर्ज कराई, जिसके आदेश अनुसार कल जिला अधिकारी उमेश मिश्र, उप जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक विपिन ताड़ा द्वारा प्रशासन को साथ लेकर उसकी दुकान पर छापेमारी की गई। लेकिन राशन डीलर अखलाक अहमद मौके से फरार हो गया, लेकिन जिलाधिकारी उमेश मिश्र ने उप जिलाधिकारी शशांक चौधरी को राशन डीलर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के सख्त आदेश दिए हैं। प्राइम न्यूज 24 के लिए अमरोहा से काविंदर सिंह की रिपोर्ट। मोहम्मद आरिफ, क्या मामला है, क्या शिकायत की आपने? पिछले महीने जब लॉकडाउन लगा तो 1 तारीख को यहाँ पे राशन वितरण हो रहा था, तो हमारे वार्ड में पैसे ज़्यादा लिए जा रहे थे और जिसके 6 यूनिट है उसे 3 यूनिट का दिया जाता है, जिसके 4 यूनिट है उसे 2 यूनिट का दिया जाता है, ये होता है। तो हमने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पे कॉल किया तो नगर पालिका से अधिकारी आए, उन्होंने वीडियो बनाई, हमने पूरी लाइन की जो है वीडियो बनवाई, सबने गवाही दी इस चीज़ की कि कितने पैसे लिए जाते हैं, सबसे पैसे अधिक लिए जाते हैं, वो वीडियो भी हमारे पास है, मीडिया भी आई थी, मीडिया वालों ने भी उनके पास है। फिर अगले दिन राशन डीलर ने हमारे ऊपर हमला कर दिया अपने परिवार के साथ, लाठी डंडों के साथ, वो भी वीडियो है हमारे पास, उसका भी एविडेंस है, सबूत है, पूरे सबूत के साथ सब कुछ है हमारे पास। अच्छा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। राशन डीलर डंके की चोट पे ये कहता है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जिसका चाहूँ उसका राशन कार्ड कटवा दूँ। पिछले महीने 30 तारीख को, मतलब 3 तारीख को जो यहाँ पे झगड़ा होने के बाद जो वीडियो वो SDM साहब ने जो जाँच कराई थी, उस जाँच में मतलब सब ने बताया है कि क्या क्या होता है यहाँ पे। 200 राशन कार्डों की जो है गवाही है, जो मजिस्ट्रेट साहब और तहसीलदार साहब लेके गए यहाँ से, समझे, ये है भाई साहब।